नमस्कार, आप देख रहे हैं नैना वर्ल्ड न्यूज खबर बिजनौर से। थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव हनुमंत पेदा में एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने फीता काटकर रविवार को पुलिस चौकी का लोकार्पण किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए यहां चौकी की जरूरत महसूस की जा रही थी। इस पुलिस चौकी से 22 गांव जुड़े हैं। इससे गांव के लोगों की समस्याओं का निस्तारण नज़दीक व जल्द हो पाएगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि स्थानीय लोगों के सहयोग से आपराधिक घटनाओं पर नियंत्रण, कोविड-19 की रोकथाम व अत्यधिक घटनाओं पर रोक लगाई जा सकेगी। इस दौरान लोकार्पण में अपर पुलिस अधीक्षक नगर, पुलिस उपाधीक्षक नगर और प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर मौजूद रहे। यह चौकी कार्यशील पिछले 4 सालों से थी, लेकिन अपना बिल्डिंग और निर्माण सारा सिस्टम वायरलेस सेट ऑपरेशनल हो गया है और इसके अंदर में करीब 22 गांव निर्धारित किए गए हैं। अभी तक लोगों को यह कन्फ्यूजन था कि यह चौकी मात्र एक गांव के लिए है। हनुमत पेदा चौकी 22 गांव के लिए है। यहाँ की चौकी प्रभारी स्टाफ अलग है और उनका कार्यक्षेत्र दायित्व भी अलग है। उम्मीद है कि इस चौकी के खुलने से स्थानीय लोगों के सहयोग से यहाँ के अपराध नियंत्रण में, रोड एक्सीडेंट में, कोविड-19 के रोकथाम में, मिशन शक्ति के अभियान के और पालन में काफ़ी तीव्रता आएगी।